मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। २०२४ का रण तैयार हो रहा है और रणबांकुरे भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर को देखा समझा कि यहां पर क्या तस्वीर बन सकती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सीएनएक्स के सर्वे में यहां भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वहीं कांग्रेस हवा हवाई होती नजर आ रही है। यह तो मध्य प्रदेश की तस्वीर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मूड क्या है? कांग्रेस के जो दावे हैं उन दावों का असर होता नहीं दिखता, बीजेपी पर जनता का भरोसा बरकरार है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले की तरह इस बार भी बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है, और हावी होती नजर ही नहीं आ रही है बल्कि पिछली बार से कुछ ज्यादा भी हावी होती नजर आ रही है। सीएनएक्स के सर्वे में कांग्रेस की करारी हार नजर आ रही है। क्या है तस्वीर, ये जरा देखिए और समझिए। ओपिनियन पोल में सीएनएक्स का ओपिनियन पोल है और इसमें छत्तीसगढ़ का मूड क्या बता रहा है? बीजेपी की 10 सीटें और कांग्रेस को केवल एक सीट। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। पिछला आंकड़ा भी जरा नजर डाल लीजिए, पिछली बार क्या था, इस बार क्या है। ओपिनियन पोल में इस बार बीजेपी को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और पिछली बार 9 सीटें थी। बीजेपी को 1 का फायदा, कांग्रेस 2 पर थी, कांग्रेस को 1 का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। सर्वे में कांग्रेस की करारी हार यहां पर दिखाई जा रही है। सीएनएक्स का यह सर्वे है और बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले और अच्छा नजर आ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता का मूड बीजेपी की तरफ है तो छत्तीसगढ़ की जनता का मूड भी बीजेपी की तरफ ही नजर आ रहा है। चलिए इसी सर्वे पर आज करेंगे महाडिबेट। हमारे खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ की सियासी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें हैं 11 और इन 11 लोकसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 11 लोकसभा सीटों में केवल 2 सीटें ऐसी थी जो पिछला चुनाव 2019 का हुआ उस पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी, कांग्रेस ने कब्जा किया था। एक सीट जो है वो है कोरबा की सीट, जहां पर ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की पत्नी है, उन्होंने चुनाव जीता था, उन्होंने जीत दर्ज की थी। जबकि दूसरी सीट जो थी वो बस्तर की सीट थी, बस्तर लोकसभा सीट जो है, बस्तर लोकसभा सीट को दीपक बैज ने कब्जाया था और इस पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बाकी बची 9 सीटें जो हैं, उन 9 सीटों की अगर बात करें तो 9 सीटों को बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इसमें इस बार एक और प्लस नजर आ रहा है जो सीएनएक्स का सर्वे है। हर्षिता पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हर्षिता जी, हर्षित होने का विषय है, सीएनएक्स का सर्वे आपको 10 सीटें दिला रहा है। बिल्कुल, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जैसा कि सभी जानते हैं इतने सालों बाद भी छत्तीसगढ़ के बारे में कभी चिंता कांग्रेस की रही नहीं और ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। छत्तीसगढ़ को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से जनता का एक जो लगाव है, विश्वास है, और खासकर हम लोकसभा की अगर बात करते हैं तो एक आंकड़े से भी जरूर बोलना चाहूंगी। 2018 में भी जो सबसे हम कहेंगे हमारा कमजोर प्रदर्शन था, जिसमें हम 35-36% वोट पे रह गए थे, यदि हम लोकसभा को देखते हैं तो हम सीधा 51% यानी 16% का जो भरोसा है वो कुछ महीनों के अंतराल पे, आप देखिए लोकसभा की जब बात आती है तो एकदम एक क्लियर स्वीप जो है वो उस समय भी दिखा था 19 में, और मुझे लगता है इस बार एक भी आपका हालांकि सर्वे एक दिखा रहा है, लेकिन मैं तो जो समझ पा रही हूँ प्रदेश की स्थिति है, ये एक भी सीट देने के मूड में छत्तीसगढ़ की जनता कम से कम कांग्रेस को नहीं है छत्तीसगढ़ की। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर रही है तो जो दिल्ली में बैठक चल रही है कांग्रेस की सीईसी की, उसमें आज 11 के 11 प्रत्याशी तय हो जाएंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। हो सकता है ऐलान देर सवेर हो जाए, आपकी तरफ से तो सारे प्रत्याशी उतार दिए गए। इस बीच खबर क्या है? खबर यह है कि बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस मैदान में उतार सकती है, जिसमें टीएस सिंहदेव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर बड़े बड़े नाम हैं। तो क्या ये मुकाबला इतना आसान हो जाएगा जो आप दावा कर रहे हैं, और जो ये अभी चुनाव होते हैं तो तस्वीर जो बता रहे हैं हम सीएनएक्स के सर्वे में, क्या आपको लगता है कितना आसान रहने वाला है?
देखिए पुनीत जी, दो विषय है। पहली बात तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि लगभग सेकेंड फेज में जाना चाहिए छत्तीसगढ़ को, 20 से 25 अप्रैल की डेट आएगी, तो बहुत समय नहीं है, ये जो सर्वे अभी हाल ही का है। दूसरी बात, मोदी जी की गारंटी, मुझे लगता है उसके सामने जहाँ विश्व पटल पे उनके सामने सभी गौड़ हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेतृत्व या व्यक्तित्व नहीं दिखता मुझे जो मोदी जी की गारंटी के सामने टिक पाएगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके चैनल पे दावा कर रही हूँ कि 11 की 11 सीट इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ की, क्या पूरे देश की आप देख लीजिए स्थिति, कांग्रेस के पास अभी जो है वो प्रत्याशियों का एक संकट है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इसका जो है वो एक मजबूत जवाब देगा। और आप एक सीट दे रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूं कि छत्तीसगढ़ में जनता भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट देने का मन बना चुकी है। नहीं, लेकिन दो जो पिछली बार जीते थे शायद उनको रिपीट भी किया जा सकता है। आपको लगता है कि उनका काम ठीक नहीं रहा, इस वजह से आप लोग जीत जाएंगे, या गारंटी और मोदी जी की गारंटी और प्रदेश सरकार के कामकाज का कुछ नहीं क्या? देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, मोदी जी की गारंटी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात, इतने कम समय में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी का जो पूरा कैबिनेट है और वो स्वयं है लगे हुए हैं, जो हमारे चुनावी वादे थे 5 साल के लिए थे, लेकिन जितनी त्वरित अभी आप देखिए 10 मार्च को हम जो है महिलाओं के लिए जो 1,000 की मंथली की जो हमने मातारी वंदना की थी, इसकी बात करें, गरीबों की घर की बात करें, तो ये तमाम चीजें बड़े फास्ट तरीके से हो रही है। बहुत कम समय में सरकार भी अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जनता के प्रति, क्योंकि विश्वास व्यक्त किया जनता नहीं, ने लेकिन वो तो इसलिए कि चौवन चुनाव दूसरा भी बात सामने है, और दूसरा चुनाव सामने है, 2019 का सीटें जीतनी है, तो तुरंत तुरंत कर दो जो वादा किया था पूरा, ऐसा तो नहीं? देखिए पुनीत जी, मैंने पहले ही कहा कि जब हमारा सबसे बिल्कुल हम खुले मन से स्वीकारते हैं कि हमारा सबसे कमजोर प्रदर्शन 18 में था, उसके बावजूद हमारे 16% वोट बढ़े थे। तो इस बार तो जहाँ पे जनता ने क्लियर हमको जो है वो 46.27% हमारे पास है, तो हम अगर मान के चले 16%, तो मुझे लगता है हम तो डिस्टिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं वोट ऑफ परसेंट में छत्तीसगढ़ में। तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर, और कांग्रेस तो बात ना करे जो राज्यसभा सदस्य देने में जो है असमर्थ रहती है छत्तीसगढ़ से, यहाँ अपने आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ की सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को राज्यसभा से भेजती है। तो कांग्रेस को आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर कोई उम्मीद रखनी चाहिए लोकसभा में, खासकर विधानसभा ठीक है। अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अटल जी, स्वागत है आपका। और सीएनएक्स का सर्वे जो आया है, अगर अभी चुनाव होते हैं तो तस्वीर छत्तीसगढ़ की पिछली बार से कुछ अलग नजर आ रही है, लेकिन ये अलग में जो है आप ही को नुकसान होता नजर आ रहा है। एक सीट कांग्रेस को दिखा रहा है, 10 सीटें बीजेपी ले जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले बार का चुनाव और इस बार चुनाव में फिर फर्क है, और इस बार का चुनाव केंद्र सरकार के जो 10 साल का क्या कुशासन है उसके खिलाफ होगा। मोदी जी की जो के जुमले थे वो गारंटी में बदल गए हैं। हर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं आए, महंगाई कम हो जाएगी, गैस सिलेंडर का दाम 1100 से 400 500 हो जाएगा, नहीं हुआ, किसानों को उसका उचित मूल्य मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ में मिल रहा है पर पूरे देशों में नहीं मिल रहा, वो भी छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये तुरंत ग्राम सभा में मिलेगा, पर अभी तक छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पैसा नहीं गया। महतारी वंदन योजना पर उन्होंने कहा था कि हर महिला को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, पर उसमें भी अब क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि इस फलाने को पात्र को मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा। 7 तारीख को मिलने वाला था वो 11 तारीख हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति में और कथनी और करनी में फर्क है। जो जुमले थे अब वो गारंटी में बदल गए हैं, और ये जनता बहुत अच्छी से समझ रही है कि ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना सेना में अग्निवीर योजना के नाम पर ठगी हो रही है, केवल कॉरपोरेट जगत बढ़ रहा है, पूरे देश का जो किसान है, देश का जो गांव है, गरीब है, वो और नीचे जाता जा रहा है। लेकिन आप और जो मुद्दे गिना रहे हैं उसके होगा तो आप उसके दूसरी तरफ बीजेपी कुछ अलग मुद्दे गिनाती है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे के हल होने की बात हो, या फिर 370 को हटाने की बात हो, या फिर देश का मान बढ़ाने की बात हो, या फिर देश को एक करने की बात हो, हर तरफ विकास की बात हो, ये सारी बातें बीजेपी करती नजर आती है, और इससे ऊपर मोदी की गारंटी की बात भी करती नजर आती है। वही तो है, मोदी का जो जुमला था वो गारंटी में बदल गया, शब्दों का हेरा फेर हुआ है कि जो जुमले थे वो गारंटी में आ गए हैं, पर अब जनता समझने लगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जनता महंगाई के मुद्दे पर देश देश को हम भी हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू, हमको भी भगवान राम के मंदिर बनने से खुशी है, पर केवल भूखे भजन ना होए गोपाला, जब गांव के आदमी के पेट में निवाला नहीं जाएगा ना, गरीब की थाली में अनाज नहीं होगा,
और किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो वो किसान वो गरीब सोचेगा कि देश का विकास किस तरफ हो रहा है, मेरा विकास तो हो नहीं रहा, मेरे गांव का विकास तो हो नहीं रहा। अगर विकास हो रहा है तो आप ये बात जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं, तो अर्चिता जी से जवाब ले लेते हैं कि अगर ये बातें जाएंगी तो क्या आप जो दावा कर रही हैं, आप कह रही हैं कि 11 की 11 सीटें जीत जाएंगे, तो ये मुद्दे जो हैं वो कहां जाएंगे, इन पर क्या जवाब है आपका अर्चिता जी? जी पनीत जी, सबसे पहले तो मैं सामान्य अटल बिहार को जो है वो 10 तारीख को महातारी वंदना और 12 तारीख को जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने वाला है उस कार्यक्रम में, वो भी हमारे बिलासपुर के सम्मानीय विधायक, तो उन कार्यक्रमों में जरूर आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रण देती हूँ कि उस कार्यक्रम में जरूर रहे और देखें कि किस तरह से हम सिर्फ गारंटी की बात नहीं करते, कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको लगता है कि यह अधिकार है इनको कहने का जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली साइलेंट मोड की सरकार थी, किस तरह से आसपास की विदेशी ताकत, चाहे हम बात करें पाकिस्तान और चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं, वो भारत पे जिस तरह से एक तरह से चिढ़ाते थे, आपको लगता है कि जनता इस चीज को नहीं देख रही है? ट्रिपल तलाक की हम बात करें, हम 370 की हम बात करें, ऐसी तमाम चीजें आप बताइए, 2G 3G स्पेक्ट्रम, क्या चीज का घोटाला के अलावा क्या रिकॉर्ड बना था? यानी सबसे यदि क्या हुआ घोटाले का, कोई निर्णय हुआ 2014 तक रही है, 2004 से 2014 तक जो रिकॉर्ड बना है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री को हमने बेबस देखा, इतने पुरातन और इतने एक तरह से हम कहें कि एक समय में जो विश्व गुरु रहा भारत, उसके प्रधानमंत्री श्रेष्ठ नेतृत्व को हमने इतना बेचारा कभी नहीं देखा था 2014 से आज तक। प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है अर्चिता जी, हर विषय में आप देखिए कि भारत उनकी बुद्धिमता की तारीफ की है, भारत जिस मान सम्मान से खड़ा है, दुश्मन भी तारीफ करते हैं आप, बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी जब प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की है, पाकिस्तान के बच्चे भारत के तिरंगे, उनके काम की सराहना की, जान बचाए हैं, कि आप इससे इनकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो स्वीकारनी चाहिए, स्वाभाविक बेरोजगारी का सवाल कांग्रेस अगर उठा रही है तो उसका जवाब क्या चीन और पाकिस्तान हो सकता है? अगर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसका जवाब क्या चीन पाकिस्तान या 370 या 3 तलाक हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ऐसे मुद्दों पे बात करती है जिसका आप ये बताइए, आप क्या इनकार कर सकते हैं इन चीजों को लेकर कि भारत में अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं सुरक्षा की, हम विकास की बात करते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस सब में बेहतर प्रदर्शन देश का हुआ है। कुछ विषयों पे स्वाभाविक रूप से महंगाई को लेकर चिंता प्रधानमंत्री जी की भी है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि आप लोगों ने कभी की नहीं चिंता उज्ज्वला की, अटल जी योजना बनानी अटल जी, तो कहां से चीजों पे बात आएगी? आप लोगों ने कभी चिंता ही नहीं की कि किस तरह से आपके बड़ी बड़ी बातें करते थे आपके, तो अटल जी आप अपनी तरफ से बात चलता है और देखिए ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रही है मनमोहन सिंह की, उनकी आर्थिक नीति के कारण आज देश इस जगह पर खड़ा हुआ है कि देश 21वीं सदी के भारत की तरफ बढ़ा है, अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है तो मनमोहन सिंह के 5 साल वित्त मंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के कारण आज देश यहाँ पहुंचा है। अगर इनकी आप बात करेंगे तो देश आजादी के बाद लगभग 2.25 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है, और जो विदेशों के जो भारत जो पूरे दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत श्रीलंका की तरफ जा रहा है जहां पर आर्थिक रूप से वो कंगाल हो चुका है। आप बात करेंगे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां है रोजगार? जो सेना में आदमी गर्व से कहता था कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, वह अग्निवीर योजना कर दी, क्योंकि इनको अपने कॉरपोरेट जगत की प्रॉपर्टीज को सेव करना है, इसलिए अग्निवीर जैसी योजना लाई गई। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेलों पर जितने भी खाद्य तेल पर है इनके हम दो हमारे दो का कब्जा हो गया है, इनकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जगत जो पहले 100 रुपए में सरसों का तेल मिलता था आज 280 रुपए में मिल रहा है, खाद्य तेल जो वो मिलता था वो आज कितनी महंगे हो गए, चने का, दाल का, आटा का भाव कहाँ, गैस सिलेंडर 1100 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये कॉरपोरेट जगत के आगे बढ़ने की दिशा पर काम कर रही है, पर भारत का हृदय है, भारत की जीवन रेखा है। हर्षिता जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के मन में, छत्तीसगढ़ की जनता जब वोट करेगी, ये सारे मुद्दे आएंगे या नहीं आएंगे? हर्षिता जी, आरोप प्रत्यारोप ये 2019 में भी लगाने का प्रयास करके इन्होंने कोशिश की थी कि अपनी थोड़ी बहुत जो गिरती हुई साख है उसको बचा ले, किसी तरह से वोट बैंक बचा ले, पर मुझे लगता है जनता एक करारा जवाब इनको देगी जिन मुद्दों पे ये भटकाने का प्रयास करे। देखिए, ग्लोबली कुछ चीजों के रेट बढ़ते हैं
और वो स्वाभाविक रूप से जो है डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट की चीजों को आप नहीं खो सकते। हाँ, कुछ लोकल लेवल पे है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीए गवर्नमेंट में जो है वो हमारे तेल की कीमत 30% कम हो गई, पर आपने कम किया। आज 3100 मिलता है, उस समय कितना मिलता था? तो आप ही नहीं खो सकते। आपकी जो बात कर 30% की गिरावट हुई है। मोदी जी ने ऐसी बहुत सारी फसलों को शामिल किया, और जो समर्थन मूल्य की बात है ये कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार स्वामीनाथन जी को तो नोबेल दे दिया, पर उसकी पॉलिसी सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे भी दीजिए कि महंगाई केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको महंगाई भत्ता जो है 4% मिलेगा अब, और ये जनवरी से लागू हो गया है, मार्च की सैलरी में मिल जाएगा। आम आदमी की भी तो महंगाई की मार की वजह से कमर टूट रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे विषय जो है वो जो लोकल लेवल के विषय है उस पर चिंता सरकार की है, और लगातार सरकार ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि मुद्रा बैंक क्या हुआ, किस तरह से जो है वो लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो लोकल लेवल पे उपलब्ध कराए गए। सरकार बहुत सारी चीजों पे प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है, प्रतिबद्धता आप तो जाहिर करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार आप ही की है, और आने वाले वक्त में ये जनता डिसाइड करेगी कि किस किस सरकार बनना चाहिए। और ये जो सर्वे हमने दिखाया, ये सर्वे के बाद जनता का असल मूड क्या है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। तो ये बात हुई छत्तीसगढ़ की, और अब आपको देश का मूड बताते हैं कि देश का मूड क्या है। सीएनएक्स के सर्वे में देश की जनता किस पर भरोसा जता रही है, तो एनडीए की बात देख लीजिए, तस्वीर आपको बार के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ओपिनियन पोल में देश का मूड क्या है। कुल 543 सीटें, और इनमें एनडीए को 378 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 400 पार की बात हो रही है, लेकिन 378 ये सर्वे बताता है, और इंडी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस, उसको 98 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 67 सीटें। ओपिनियन पोल में देश का मूड यह बता रहा है सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक कि कुल 543 सीटों का कैसे डिवाइडेशन होने वाला है, लोगों का मूड क्या है। इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए को 378 सीटें, और देखिए पिछला हिसाब बता देते हैं आपको, ये बीजेपी का इस बार का हिसाब है, 335 सीटें अकेले बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें, यानी कि 37 सीटें कांग्रेस को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक, जबकि पिछली बार 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में बीजेपी और कांग्रेस को क्या फायदा क्या नुकसान ये जरा समझ लीजिए। बीजेपी 335 सीटें, यानी कि इस बार का ये सर्वे है, प्लस 32, यानी कि 32 सीटें जो हैं बीजेपी को इस बार ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस को 37, यानी कि 15 का नुकसान ये सर्वे जो है ये बता रहा है। और आइए अब बात करते हैं चुनावी 24 की। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मंथन, 10 राज्यों की 60 सीटों पर फाइनल होंगे नाम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नाम हो जाएंगे तय, बैठक में अंतिम मोहर लगने के बाद आएगी पहली लिस्ट। कांग्रेस की बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा जनता से दूर जा चुकी है कांग्रेस, चुनाव लड़ने से डर रहे कांग्रेस के नेता। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी उमा भारती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान, गंगा सेवा करने की कही बात। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने पर छलका उमा भारती का दर्द, कहा प्रज्ञा ठाकुर ने, हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे, आज उनकी वजह से हम जेल से हैं। पार सिंगरौली में एयरपोर्ट का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया ऐलान, कहा आपकी हर मांग होगी पूरी, जनता कांग्रेस को नहीं करेगी मांग। बीजेपी नेता अमित चिमनानी ने कांग्रेस की सरकार में हुई झूठी एफआईआर की जांच की कर दी मांग, सीएम विष्णुदेव साय को लिखा पत्र, कहा पीड़ितों को मिलना चाहिए न्याय। इंदौर में मंत्री राकेश सिंह का दावा, लोकसभा चुनाव सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी, छिंदवाड़ा में भी खिलेगा कमल।
एमपी की बाकी 5 सीटों पर जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान कांग्रेस पर भी साधा निशाना। टिकट कटने पर मोहन मंडावी का छलक गया दर्द, कहा मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप, मुझे जो काम सौंपा गया मैंने वो किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मंत्री प्रहलाद पटेल का निशाना, कहा अगर पीएम मोदी पर विवादित बयान देना ही न्याय है तो चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान, कहा पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए हूं तैयार। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी का तंज, पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी बन रहे हंसी के पात्र। इंदौर में मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राहुल को रखती है व्यस्त जिससे कांग्रेस की न बढ़े परेशानी। श्योपुर में किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन, घोटाले का भी लगा आरोप। अंबिकापुर से चिंतामणि महाराज को टिकट देने पर सियासत तेज, कांग्रेस ने साधा निशाना। ग्वालियर में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की फिसली जुबान, बीजेपी सरकार की जगह कांग्रेस की करने लगी तारीफ, कहा किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार। बीजापुर में बीजेपी नेता की हत्या पर शुरू हो गई सियासत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार से मांगा जवाब, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार। छत्तीसगढ़ में एसआईए बनाए जाने के ऐलान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, दीपक बैज बोले क्या केंद्रीय एजेंसी से उठ गया भरोसा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताई टीम की जरूरत। रतलाम पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, सरवन में काफिले ने किया विश्राम, रतलाम और सैलाना में किया था रोड शो। खरगोन में पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य का विपक्ष पर वार, मोदी परिवार को लेकर साधा निशाना, का 140 करोड़ जनता पीएम मोदी का परिवार। रतलाम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा न्याय यात्रा में कांग्रेस को मिल रहा है अपार जनसमर्थन। एमपी में राम वन गमन पथ पर फिर से सियासत, कांग्रेस ने भूमि पूजन को लेकर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।